अपने उम्मीदवारों से भी यही अपील करती है कि जब आप अपने चुनाव में इतना मतलब पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा पैसा तो मेरे चुनावी दौरे पर भी आप लोगों को मदद के तौर पर देना चाहिए। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से विभिन्न रूपों में मेंबरशिप के जरिए, जन्मदिन के मौके पर तो जन्मदिन के जरिए तो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अपनी मूवमेंट को चलाती है, चुनाव आगे नहीं लड़ाती। लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों धंधा सेठों से बॉन्ड आदि के जरिए पैसा नहीं लेती है, जो अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों को कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण भी कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब जब भी बीएसपी के नेतृत्व में यूपी की सरकार रही है तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो किसानों को खेती करने के लिए समय से सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और उनकी फसल का भी उचित दाम हमारी सरकार ने दिया। इतना ही नहीं,